15 मई नकबा डे। ये तस्वीर है 15 मई 1948 की, जब मजलूम समझकर यहूदियों को रहने के लिए ज़मीन देने वाले सखे फ़िलिस्तीनियों को उन्हीं की ज़मीन छीनकर यहूदियों ने बेदखल कर दिया था। तब भी कत्लेआम हुआ था, बेशुमार बमबारी की गई थी। आज 73 साल बाद भी कत्लेआम जारी है, वही बमबारी जारी है। लेकिन कल और आज में फ़र्क इतना है कि बेशुमार शहीदों की कुर्बानियां देकर और अपना सब कुछ लुटाकर फ़लस्तीन आज एक बार फिर अपने हुकूक को वापस पाने की लड़ाई में कहीं ना कहीं कामयाब होता नज़र आ रहा है। कत्लेआम बमबारी कल भी जारी थी, कत्लेआम बमबारी आज भी जारी है। फ़र्क बस इतना है, तब सिर्फ इसराइल जुल्म कर रहा था, आज फ़िलिस्तीन भी पलट कर करारा जवाब दे रहे हैं और दुनिया को दिखा रहे हैं, सिखा रहे हैं कि अपने दीन और अपने हुकूक की बका के लिए अगर कोई दीन का दुश्मन बनकर आपसे आपके हुकूक छीन ले तो उसे वापस पाने के लिए लड़ने वाली जंग दुनिया भर की आधुनिक टेक्नोलॉजी और आधुनिक हथियारों से नहीं, बल्कि अपने रब पर पूरा भरोसा रखने और हिम्मत और हौसले से लड़ी जाती है। इसराइल ने कभी नहीं सोचा होगा कि दुनिया का सबसे बेहतरीन डिफेंस सिस्टम और बेहतरीन हथियारों के सामने पत्थर गोफन और निहत्ते लड़ने वाली मजलूम कौम उसे उस बेहतरीन डिफेंस सिस्टम को हथियारों को ध्वस्त कर देगी और सिर्फ रॉकेट से ही दुनिया के सबसे मजबूत डिफेंस सिस्टम से लैस कहलाने वाला इसराइल में इतनी तबाही मचा देगी। जिस ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा इसराइल ने किया था उस ज़मीन को वापस पाने की लड़ाई में कामयाब होती दिखेगी फ़िलिस्तीन। इतिहास में ये आज का दिन काला दिन नकबा डे के नाम से जाना जाता है, लेकिन हर रात के बाद रोशनी से भरपूर सुबह होती है। बस उस रोशनी की भरी सुबह के लिए रात के काले घने अंधेरे से मजबूती, हिम्मत, हौसले, सब कुछ लुटा देने का जज्बा के साथ डटकर लड़ना पड़ता है, जो आज पूरी दुनिया को फ़िलिस्तीन सिखा रहा है। अल्लाह एक दिन ज़रूर इन मजलूम फ़िलिस्तीनियों पर जुल्म करने वाले तमाम ज़ालिमों को नेस्तनाबूद करेगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।